अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, तो मैं हूँ अस्मनाज और आज आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ चने दाल लौकी की रेसिपी। तो हमारे यहाँ बहुत ही मज़ेदार बनती है ये और बहुत ही शौक से मेरे यहाँ सबको, मेरे बच्चों को, मेरे हस्बैंड को बहुत ही पसंद है। तो मैंने चले ये इसकी वीडियो में आपके साथ शेयर करती हूँ। तो मैं आपको दिखाती हूँ, यहाँ पर मैंने ली है चने की दाल। ये मैंने एक प्याला लिया था, 1 घंटे पहले मैंने इसको भिगो दिया था। तो ये भीग कर ये इतनी काफ़ी फूल गई है। तो यहाँ पर मैंने ली है लौकी। लौकी बिल्कुल कच्ची है। आप तो क्या बोलते हैं, लौकी बोलते हैं, कद्दू बोलते हैं या फिर घिया, बहुत से लोग भी बोलते हैं, तो आप लोग की ज़बान में क्या बोले जाते हैं मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ पे मैं जो ले रही हूँ लौकी ले रही हूँ, हम लोग क्योंकि लौकी बोलते हैं। तो लौकी मैंने ली है, इसको मैंने काट लिया है इस साइज़ में। और यहाँ पर लिए है हरा मसाला है, हमारा हरी मिर्चें 3 अदद लिए हैं। 2 चम्मच करीब मैंने लिया है पुदीना, उसको मैंने बारीक धो के काट लिया है। 1 चम्मच ले रही हूँ हरा धनिया। और यहाँ पर मैंने लिए है अदरक, जिसको भी मैंने बारीक काट लिए है। और यहाँ पे मैंने लिया है चिकन फ्लेवर 1 चम्मच। और आधा चम्मच मैंने लिया है पिसा हुआ गरम मसाला। और ये चिकन फ्लेवर ऑप्शन है, अगर आपके पास है तो आप ले लें, वरना स्किप कर दें, ज़रूरी नहीं है। और यहाँ पे मैंने लिया है टमाटर, 1 बड़ा साइज़ के टमाटर लिया है, इसको मैंने छिलका उतार के बारीक काट लिया है। यहाँ पर लिया है लहसुन अदरक का पेस्ट 2 चम्मच। और मसाले जैसे मैं डालती रहूँगी मैं आपको दिखाती रहूँगी। और मैं आपको ये दिखाना चाहूँगी, यहाँ पर मैंने एक डिप पैन ले लिया है, इसके अंदर मैंने 4 गिलास पानी डाले हैं। अब मैं यहाँ पे डालूँगी, और इसको गर्म करने रख दिया था मैंने 15 मिनट पहले। अब मैं यहाँ पे दाल डालूँगी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो बॉयल आने तक इसको मैं पकाऊँगी, जैसे थोड़ा बॉयल आ जाए फिर मैं इसमें मसाले डालूँगी, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो चलिए ढक के रख देती हूँ, जैसे बॉयल आता है फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो देखें, मैंने आपको कहा था उबाल आ जाए फिर मैं दिखाती हूँ, तो इसमें उबाल आ चुका है। अब मैं यहाँ पे डालूँगी, मैं आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पे मैं ले रही हूँ 1/2 चम्मच नमक, 1/2 चम्मच ले रही हूँ पिसी हुई लाल मिर्च, और यहाँ पे ले रही हूँ 1/4 चम्मच हल्दी, और 1 चम्मच ले रही हूँ कुटी हुई लाल मिर्च, और यहाँ पे लिए है 1/2 चम्मच पिसा हुआ धनिया। इसको पहले मैं मिक्स कर लेती हूँ। तो अब यहीं पे मैं डाल रही हूँ लहसुन अदरक का पेस्ट जो मैंने आपको दिखाया था, वो भी मैं यहीं डाल दूंगी। और अब मैं इसको, हम सब चीज़ों को मिक्स कर लिया है मैंने, अब मैं इसको रख दूंगी ढक के 20 मिनट के लिए, और 20 मिनट बाद आपसे मिलती हूँ। तो देखें 20 मिनट हो चुके हैं, तो हम यहाँ पे चेक करते हैं दाल को। और आज मैंने बिल्कुल स्लो ही रखी है, तेज़ नहीं रखी है। तो ये देखें, ये 70% ये दाल हमारी इस तरह से गल चुकी है। अब इसमें मैं डाल दूँगी लौकी जो मैंने आपको दिखाई थी, काट के मैंने धो के रख दी थी, तो इसको मैं डाल दी हूँ बहुत ही एहतियात से। और पानी देखिए जितना डाला है अभी तक, पानी काफ़ी कम हो गया उससे, और उसी पानी में पकाई है हमने, और ये भी इसी पानी में पकेगी, ये चली गई यहाँ पे। और साथ ही साथ मैं टमाटर भी डाल दूँगी जो मैंने आपको दिखाए थे, तो ये भी डाल दूँगी यहीं पर, और इसको भी हम पकने देंगे। ये देखें साथ सही है। अब 15 मिनट के लिए मैं फिर ढक के रखूँगी इसको। तो चलें 15 मिनट बाद आपसे मिलती हूँ। तो देखें 15 मिनट हो चुके हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था सिलौन पे मैंने पकाना था इसे, और ये 15 मिनट हो चुके हैं, और दाल देखें बिल्कुल गल चुकी है, और साथ ही साथ हमारी लौकी जो मैंने दिखाई थी आपको वो भी अच्छे से गल चुकी है। अब मैं यहाँ पर डालूँगी जो मैंने आपको चिकन फ्लेवर दिखाया था, और पिसा हुआ गर्म मसाला ये दिखाया था, ये भी मैं यहाँ पर डाल दूँगी। इसको मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। बड़ी ज़बरदस्त सी खुशबू आ रही है यहाँ किचन में मेरे इसकी चने दाल लौकी की, अच्छे से मिक्स करूँ। और साथ ही साथ ये हरा मसाला मैं डाल दूँगी, पुदीना, थोड़ा सा मैं गार्निशिंग भी डाल दूँगी, थोड़ी सी हरी मिर्चें, और ये अदरक और हरा धनिया ये मैं डाल दूँगी। और मैंने आपको दिखाती हूँ इसके तड़के का सामान, ये 2 से 3 मिनट ये पकाऊँगी मैं इसको, और फिर मैं आपको तड़के का सामान दिखाती हूँ। इसको 2 से 3 मिनट देते हैं हम,
तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ तड़के का सामान। तड़के के लिए जो मैंने सामान लिया, यहाँ पे मैंने एक दरमियानी साइज़ की ली है प्याज, उसको मैंने बिल्कुल बारीक से काट लिया है। और यहाँ पे ले रही हूँ तेल आधी प्याली है, और यहाँ पे लिए साबुत मिर्च गोल वाली जो होती है मोटी, 5 से 6 अदद लिए, और साथ साथ मैंने आधा चम्मच जीरा लिया है, ये भी यहीं पर। अब ये 2 से 3 मिनट यहाँ पर हो चुके हैं, तो ये देखें चम्मच चला दूँ, फिर मैं इसको यहाँ पे उतार दूँगी। ये देखें, अगर आपने ज़्यादा गाढ़ी रखनी है आप उस हिसाब से रख लें। तो चलिए ये पक चुकी है अच्छे से, इसको मैं उतार लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने ले लिया है एक पैन, उसमें मैं डाल रही हूँ तेल। तेल जैसे ही गर्म हो जाएगा तो इसमें मैं डालूँगी प्याज। तो तेल गर्म हो गया है, अब मैं डाल रही हूँ प्याज। तो ये जैसे हल्के से फ्राई होना शुरू होगी फिर मैं डालूंगी इसमें जीरा और साबुत मिर्चें। देखिए प्याज हल्की सी फ्राई होना शुरू हो गई है, अब मैं यहाँ पे डाल दूंगी जो मैंने आपको दिखाई थी जीरा और साबुत मिर्चें, तो ये यहाँ पे चली जाएगी। अब ये अच्छे से फ्राई हो जाए सब चीज़ें। तो देखें तड़का हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है, और अब मैं डाल दूँगी इसे दाल में बहुत ही एहतियात से, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और इसको फौरन ही से मैं ढक दूँगी ताकि तड़के की खुशबू दाल के अंदर अच्छे से रहे। तो फिर 10 मिनट बाद मैं आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पे देखें चने की दाल और लौकी की रेसिपी तैयार हो चुकी है। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को एंड तक देखा करें। तो दुआओं में याद रखिएगा, इंशाल्लाह मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।